and gather some of the experiences regarding the campus pedagogy, what it is to the different stakeholders, the teachers, the parents, the teacher educators, as well as the students. So it's a very humble try from our side, from the MIT first semester students of RIT Bhubaneswar, to showcase how campus pedagogy can be used for joyful learning. First story for the state goes, there is a child, and as we all know, any individual, they are exposed to immediate, like if here we are talking about a child of class 2. So they are exposed to environment at two dimensions, the immediate environment at home and the society. And this is society ka ek part banta hai, school. बच्चों को क्यों लगती मैथ्स डरावनी? डरावनी मैथ्स सुनकर सर चकराए, हिंदी पढ़ाए तुम बताए, साइंस हमको कोई बचाए, तर्को तर्को कोई उपाए, खेले कोई joyful, but it's a burden, and in the burden as it is perceived by her in the school. Let us see. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. बच्चों, आज हम लोग multiplication सीखेंगे. क्या सीखेंगे बताओ? Multiplication. Very good. तो आज हम लोग शुरू करते हैं 2 के टेबल से. ठीक है? Okay. सेवन ये तुमसे आता है? अरे very good बेटा. मैं मुझे नहीं आता. कोई बात नहीं. जिसको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता अब अपना 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 नोटबुक निकालो, ठीक है? अब मैं बोर्ड पर 2 का टेबल लिख रही हूँ, सब लोग उसको चुपचाप कॉपी डाउन करेंगे, सही सही कॉपी डाउन करना है, ठीक है? ओके, चलो शुरू करो. देखा
अरे शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आइए आइए, घर में आइए। कैसे हो शर्मा जी? ठीक हूँ। और बेटा ठीक हो? ठीक है। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? आपको पता है आज इसका रिजल्ट आया है। अच्छा, मैंने मैथ में 93 स्कोर किया। ये मेरा बेटा। वाह बेटे, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटे। ये शिका है, इसको अंदर ले जाके खेलो उसके साथ। जा जा। बहुत अच्छा बात है, लेट हो रही है, हमें रात में जाना होगा। कुछ चाय वाय पी के जाएंगे? नहीं नहीं, अगली बार करूंगा बेटा। नहीं चलो घर पर, घर में आते रहना, ठीक है? ठीक है। अब आप चलो। अरे यशु, तुम तो बता दी, तुम्हारा रिजल्ट निकला है? कितना परसेंट दे? 70। और मैथ में? 45। क्या तुमको पता ही नहीं है शर्मा जी के बेटे को कितना मिला है? तुम्हें शर्म नहीं आता? तुमने हमारे नाक कटवा दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा चला हुआ है? तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती कुछ भी? अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा प्रैक्टिस करने की हो जाएगी। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? तुम अभी बैठ के प्रैक्टिस ही करो, जितना जुगे मैथ्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जब तक खत्म नहीं होता उठेगा भी नहीं बेटा। तू जा, चलो। अच्छा बनता है।